वैसे तो हर माह पूर्णिमा होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व कुछ और ही है। हिंदू पुराणों के अनुसार माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद पूरी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। ये किरणें सेहत के लिए काफी लाभदायक हैं, और अगर चांद की रोशनी में मेडिटेशन किया जाए तो ये और भी शुभकारी हो जाता है। इसीलिए आज मैं अर्पित लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम शरद पूर्णिमा और मेडिटेशन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुप्रसिद्ध मेडिटेशन विशेषज्ञ और मंत्रज्ञ निर्मला सेवानी के सानिध्य में मंत्रमय कलेक्टिव मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर के जाने माने कई गणमान्य उपस्थित रहे। चलिए देखते हैं इसमें किस किस ने शिरकत की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री नवदीप सिंह जी, श्री जे के बैद जी, श्री जी डी माहेश्वरी, और मीरा कटारिया जी। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्मला सेवानी जी से कि शरद पूर्णिमा इतनी खास क्यों है और इस दिन मेडिटेशन का क्या खास महत्व है। कि नवरात्रि की पूर्ण चरम रात्रि है, जिसमें कि हमारी शक्ति नई ऊर्जा चरम सीमा पे होती है, और चंद्रमा की शीतल किरणों को हमने अपने अंतस में इस्तेमाल करके सातों चक्रों को जागृत किया है, है ना। तो सातों चक्रों को जागृत कर स्वयं को फिजिकली हील किया, मेंटली बैलेंस किया, इमोशनली स्ट्रेंथनअप किया मंत्र द्वारा, और अपने एग्जिस्टेंस को विस्तार दिया, ऑरा खींचा, और अपने जो वर्ल्डली एम्बिशंस हैं उन पे फोकस करके उनके एजुकेशन के लिए हमने अपनी नई ऊर्जा को तैयार किया, ताकि हम अपने अपने समाज देश के काम आ सकें। और अंत में जो कि इस मेडिटेशन का कर्म होता है, धर्म होता है, कि अपना विस्तार किस में, उस समस्त प्रकाश में जिसका कि हम अंश हैं। इसके लिए हमने ये और शरद पूर्णिमा इसलिए चुनी क्योंकि इस दिन ऐसे माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी अपनी जटा से गंगा को निकाले थे, और चूंकि वो गंगा पृथ्वी पे अवतरित होनी थी, तो जैसे उन्होंने अपनी जटा खोली तो जो उनका चंद्रमा है वो कहाँ जाए, तो उन्होंने उस चंद्रमा को उठा के समुद्र को दे दिया, तब से वो क्षीरपुत्र कहलाए। तो चंद्रमा इस समय अपनी समस्त, इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसकी कलाएँ जो है समुद्र को, वातावरण को, और हमारी मनस्थिति और अंतश्चेतना को प्रभावित और प्रकाशित करती है। तो इस समय चंद्रमा अपनी शीतल छटा से फैला होता है, तो उसके जो क्लटर होते हैं घृण योग के करके, अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करें तो वो इस समय नलीफाई होती है। अगर किसी को घृण योग है, किसी को मन में संताप है, किसी को इंसोमेनिया है या अशांति है, तो इस समय वो शांत मन से बैलेंस होता है। चंद्रमा अपनी किरणों का पूरा प्रभाव पृथ्वी पे, सृष्टि पे, इस ब्रह्मांड पे दिया होता है इस पूर्णमासी को। ये अर्थ शरद पूर्णमासी को, तो उसको हमने काम में लेके जागृत किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले निर्मला जी ने मेडिटेशन क्या होता है ये समझाया, और साथ ही मंत्रों द्वारा मेडिटेशन के लाभ भी बताए। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने बेशकीमती 15 मिनट ये जानने के लिए दें कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन ऐसा कंसल्टेशन जो कि अपने आप को पहचानने में कन्वर्ट हो। आप क्या, सबसे पहले देह, देह की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ प्रकृति होती है, कि उसमें क्या व्याधियां हैं, क्या रोग है, क्या पीड़ा है, उसको हम कैसे नलीफाई करें, ये मेडिटेशन बताता है। उसके बाद हमारी मन स्थिति कि हम कैसे बैलेंस हों, उसके बाद कैसे इमोशनली हम अपने आप को बैलेंस करें, स्ट्रेंथनअप हो, सबके मन में कुछ भय, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, पीड़ा, तकलीफें होती हैं, इसको हम अनाहत चक्र पे नलीफाई करते हैं। मैं आगे चक्रा का एक्सप्लेनेशन दूंगी,
और अपने एग्जिस्टेंस का विस्तार करते हुए कैसे आप एनलाइटन हो, इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मंत्रज्ञ होने के नाते हम मंत्र में मेडिटेशन कराएंगे ताकि आप फोकस हो सकें अपने आज्ञा चक्र पे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहा जाता है कि जो समस्त सृष्टि में ऊर्जा व्याप्त है, प्रकाश व्याप्त है, रोशनी व्याप्त है, वो ही हमारे अंतस में है। उस ऊर्जा का रूट चक्र से जो प्रवाह होता है और वो सहस्त्राधार तक छह चक्र से गुजर के जब वो सहस्त्राधार पे पहुंचता है और सारे शरीर में बिखरता है, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन करने और होने में फर्क होता है। अगर हम आपसे पूछें कि गुरु नानक जी मेडिटेशन करते थे, तो आपका जवाब होगा नहीं। मीरा मेडिटेशन करती थी? नहीं। परमहंस मेडिटेशन करते थे? नहीं। पर वो 24 घंटे में से 18 घंटे मेडिटेट हुआ करते थे, क्योंकि भक्ति रस की जो एक्सट्रीम होती है वो अपने आप में मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन माने वो जो ऊर्जा आपके रूट चक्र पे बिखरी, वो एकत्रित होकर स्वादिष्ठान चक्र पे गई, वहाँ वो छनी टू क्योर योर सेल्फ, शक्ति चक्र पे होती हुई फिर अनाहत पे गई, विशुद्ध पे गई, आज्ञा चक्र पे गई और सहस्त्राधार, जहाँ की असंख्य ऊर्जा बिंदु हमारे विद्यमान हैं, उस ऊर्जा से टकरा के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन आप करें चाहे ना करें, जब ऊर्जा का स्फुरण संचरण इन सातों ध्यान चक्रों पे, ऊर्जा चक्रों पे होकर गुजरता है, तो वो मेडिटेशन कहलाता है। इसीलिए कबीर कभी मेडिटेशन किए नहीं पर हो गए थे। तो आज मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी इन ध्यान चक्र का, फिर मंत्र के बारे में बताएंगे कि मंत्र से मेडिटेशन कैसे करें, और फिर उसके बाद आप उसको अनुभूत करेंगे प्रैक्टिस करके। मंत्र क्या होता है? आज मंत्र में मेडिटेशन करेंगे हम। मंत्र माने मंत्रो मननात, ऐसा शब्द या शब्दों का गुच्छा या वर्ण पद समूह जिसे हम बार बार मनन करें, रिपीट करें। उस रिपीटेशन से क्या हो, जिस ध्येय और उद्देश्य या संकल्प को लेके आपने वो मंत्र पढ़ा, वो वायुमंडल में जो पहले से प्रतिष्ठित शब्द हैं उनसे केंद्रीभूत होके आप में प्रतिष्ठित हो जाए और आपके संकल्प की प्राप्ति हो जाए। देखिए, आपका साइंस क्या कहता है कि सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन बदलते हैं। तो मंत्र उस प्रोपोर्शन, उस कॉम्बिनेशन को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिसको कि लेकर के आपने उस मंत्र का जाप किया। ये भी थोड़ा देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि जो शब्द हैं वो आकाश में प्रतिष्ठित होते हैं। तो मंत्र में वर्ण व्यवस्था को संयोजन इस तरीके से होता है कि जब उसको लयबद्ध उच्चारित करते हैं तो वायुमंडल में जो पहले से ही शब्द हैं वो उसमें ऊर्जा के माध्यम से एकत्रित होकर आप में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जो उद्देश्य संकल्प लक्ष्य या ध्येय या गोल लेके आप बैठे हैं वो पूरा हो जाता है। एक मंत्र तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंसेस इकट्ठा काम करती हैं। नवरात्र और शरद पूर्णिमा के दौरान मेडिटेशन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। शरद पूर्णिमा नवरात्रि की चरम रात्रि होती है, पूर्ण चंद्र उदय रात्रि होती है। इसके क्या विशेष महत्व हैं कि नवरात्रि मतलब नई दिन नया रात। तो जब भी ऋतु परिवर्तन होता है हम नवरात्रि मनाते हैं। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारा आहार व्यवहार नई ऊर्जा, नया संचरण, नई स्फूर्ति, नई उमंग के साथ सारे वायुमंडल में वो चैनलाइज होती है। पूर्णमासी या सेलेशियल कॉम्बिनेशन के हमेशा महत्व हैं। जो भी हमारे जीवन में पड़ने वाली घटनाएं हैं या जो भी कायनात में घटती हैं तो उस पे जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे जीवन की घटने वाली घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। या ऐसे समझिए कि जो 9 ग्रह हैं या 27 नक्षत्र हैं वो हमारे जीवन पे पड़ने वाली घटनाओं पे अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा क्योंकि सृष्टि के सबसे करीब है इसलिए वो हमारी मन स्थिति को कंट्रोल करता है।
समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा की घटने बढ़ने की स्थिति के करके आता है। और हमारे जीवन में जो मनस्थिति से रिलेटेड घटनाएं हैं, डिप्रेशन, टेंशन, इंसोमेनिया, फोबियाज, फियर्स, वो भी चंद्रमा के करके होते हैं। तो पूर्ण चंद्र रात्रि पे चंद्रमा अपनी शीतलता लिए होता है। वैसे तो पूरे जितनी भी पूर्णमासी 12 होती हैं उन दिनों चंद्रमा अपनी निर्मल ध्वल चांदनी पृथ्वी पे फेंकता है और हम उसको अंदर में अब्जॉर्व करके अपने सातों चक्रा से अपनी ऊर्जा को शीतलता दे सकते हैं। पर शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व हैं क्योंकि इसके पीछे मैथोलॉजी है कि भगवान शिव ने जब पृथ्वी पे गंगा अवतरित की थी तो अपनी जटा खोली तो चंद्रमा को कहाँ रखा जाए उनके जहन में आया, तो वो चंद्रमा समुद्र को दे दिया गया। इसलिए चंद्रमा शीर पुत्राय कहलाते हैं और अपनी पूरी शीतल चांदनी के साथ हम पे प्रभाव डालते हैं। वो आज का दिन है, शरद पूर्णिमाशी का दिन है। इसके अलावा क्योंकि ये नवरात्रि की अंतिम चरम रात्रि है तो देवशयनी एकादशी के शास्त्रों में वर्णित है कि देवशयनी एकादशी के बाद माँ लक्ष्मी की तंद्रा शरद पूर्णिमा के दिन भंग हुई थी और वो श्रृंगार करके देव उठी एकादशी पे चलने को इधर आ गई थी। तो इस समय जो माँ सरस्वती दुर्गा या महालक्ष्मी की आराधना की जाती है वो जल्दी से सुनते हैं देव। तो ये दो अर्थ हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मंत्रमय कलेक्टिव मेडिटेशन जारी रहेगा।